अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी, जिसको ट्राई करना तो बहुत जरूरी है। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको मिलेगी सबकी वाह वाह, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में फिर अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी की तरफ। जी यूट्यूब फैमिली, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बस ये कुछ चीज़ें। ये आपको इजीली किचन से मिल जाती हैं, बस आपने ये अपने पास पहले से रख लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आलू चाहिए हमें, जितने भी आपको पराठे बनाने हो उस हिसाब से। मसालों की डिटेल में आपको बाद में इजीली दे दूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्चें, मैदा, इसके साथ साथ हमें चाहिए आटा और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी की। जी यूट्यूब फैमिली, अब हमने क्या करना है, लेने हैं आलू और इनको अच्छे से क्रश कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका जो क्रशिंग मटेरियल है वो निकल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। फैमिली, पोटैटोस को मैंने अच्छे से क्रश कर दिया है। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपली आपने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये जी हमने सारी इसके अंदर शामिल कर ली। अब आते हैं जी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जिसमें हम शामिल करेंगे इसके अंदर स्पाइस, जिसमें शामिल है नमक, लाल मिर्च, जीरा, सूखी धनिया और अजवाइन। जी तो ये स्पाइस हमने इसके अंदर शामिल कर ली है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मैदा। मैदा आपने 6 टेबलस्पून लेना है, 6 टेबलस्पून आपने इसके अंदर मैदा शामिल कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बाद में मैदे को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बट इन द स्टार्ट आपने सिर्फ और सिर्फ 6 टेबलस्पून मैदा इसके अंदर शामिल करना है। जी YouTube फैमिली, हम लोगों ने इसके अंदर मैदा भी शामिल कर लिया है और अब इजीली आप हाथ की मदद से इसको क्या करें, मिक्स। इतने अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हल हो जाए। जी YouTube फैमिली, हमारी मिक्सिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, बनानी है जी डो। आपने इस पेस्ट से लेना है थोड़ा सा इसका पार्ट और उसकी अच्छे से डो बनानी है। डो बनाने के बाद आपने उसको आटे के अंदर शामिल कर देना है। आटे में शामिल करने के बाद आपने थोड़े से आटे को शेल्फ के ऊपर या किसी भी सर्फिस के ऊपर अच्छे से फैला देना है। हिला देने के बाद आपने फिर से अच्छे से इसकी ज़बरदस्त सी एक रोटी बना देनी है या आपने इसको राउंड शेप में बना देना है। जब ये परफेक्टली राउंड शेप में बन जाए तो अब आपने क्या करना है, इसको एहतियात से उठा के और गरम तवे के ऊपर रख देना है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर इजीली देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक बाउल में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में हरा धनिया और हरी मिर्चें अच्छे से मिक्स करके रख दी थी। अब आपने भी ऐसे ही करना है और एक ब्रश की मदद से इसको अच्छे से पूरी की पूरी राउंड रोटी के ऊपर फैला देना है, जैसे कि आप वीडियो में इजीली देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ये बन रहा है।
जी यूट्यूब फैमिली, अब आपने इस राउंड रोटी को इतने अच्छे से पकाना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको जितनी भी आलू की ज़बरदस्त पराठे बनाने हो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। जी यूट्यूब फैमिली, हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस मज़ेदार रेसिपी को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह की मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।